हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपने ब्लॉग पोस्ट को गूगल में रैंक करोगे। यहाँ पे मैं रैंकिंग की बात कर रहा हूँ, आपको उससे ऑर्गेनिक ट्रैफिक भी मिलेगा। और मैं आपको एक सीक्रेट मेथड बताने वाला हूँ जो ज़्यादातर ब्लॉगर उसे फॉलो नहीं करते हैं, और यही कारण है कि उनकी एक दो पोस्ट तो गूगल में आ जाती है बट मैक्सिमम जो पोस्ट होती हैं वो गूगल में नहीं आती हैं। लेकिन आज आपको मैं कुछ ऐसे पॉइंट्स बताने वाला हूँ जिसको यदि आप फॉलो करोगे तो गूगल में आपके सभी आर्टिकल रैंक करेंगे और साथ ही साथ आपको ढेर सारा ऑर्गेनिक ट्रैफिक गूगल से मिलने वाला है। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। गाइज, एक रिक्वेस्ट करूँगा, यदि मेरे द्वारा डाली गई वीडियो आपको पसंद आ रही हैं तो एक रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, ठीक है। इससे एक मोटिवेशन मिलता है और आप तक ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं लेके आ पाता हूँ। और अगर आपको ब्लॉगिंग सीखना है और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल ऑन करिए ताकि यहाँ पे टाइम टाइम पर जो भी यहाँ पे ब्लॉगिंग से रिलेटेड वीडियो बनाऊँ आप तक वो पहुँच जाए। आइए अब इस वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कैसे हम गूगल में रैंक करेंगे अपने पोस्ट को और उससे ऑर्गेनिक ट्रैफिक प्राप्त करेंगे। दोस्तों यहाँ पे गूगल में कैसे आप अपने पोस्ट को रैंक करेंगे उसको बताने से पहले मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा। कल मैंने एक वीडियो बनाया था प्रॉफिटेबल ब्लॉग नीस आइडिया के बारे में, बताया था 5 ऐसे नीस आइडिया बताए हैं जिसमें आप हाई अर्निंग कर सकते हो ब्लॉगिंग से। अब यहाँ पे ये ब्लॉग आप स्टार्ट तो करना चाहोगे, ये वीडियो देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में साथ ही साथ आई बटन पे है। बट यहाँ पे आप ब्लॉग स्टार्ट करोगे तो आपको एक होस्टिंग और डोमेन की ज़रूरत पड़ेगी जिसको आप बाय कर सकते हो होस्टिंगर से। जी हाँ, आप यहाँ पे देख सकते हैं होस्टिंगर पे आप 159 रुपीज़ पर मंथ से आप यहाँ पे अपना ब्लॉगिंग करियर स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें आप क्या आपको फीचर मिल रहा है, प्रीमियम होस्टिंग में आपको 100 वेबसाइट बनाने का मौका इसमें मिलता है। साथ ही साथ यहाँ पे फ्री ईमेल, फ्री SSL सर्टिफिकेट, फ्री डोमेन आपको मिल जाता है। और ख़ास बात यह है कि ये यहाँ पे होस्टिंगर बहुत ही अच्छा यहाँ पे सर्वर आपको प्रोवाइड करता है, लाइट स्पीड टेक्नोलॉजी को यूज करता है, इससे आपकी साइट काफ़ी फास्ट रहती है। और यदि आपको ये होस्टिंग पसंद नहीं आती है तो आप 30 डे के अंदर आप अपने पैसे को वापस ले सकते हैं। और एक चीज़ और, यदि आप और भी इस पर डिस्काउंट चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है और मेरा कूपन कोड नीरज यादव यदि आप यूज कर लोगे तो आपको एक्स्ट्रा 10% ऑफ मिल जाएगा। अब आते हैं अपने टॉपिक पर, यहाँ पे हम कैसे गूगल में रैंक करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ यहाँ पे दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए कुछ ऐसे कीवर्ड्स हैं, जैसे कि यहाँ पे कुछ कीवर्ड्स मैंने डाल रखे हैं, SEO फ्रेंडली आर्टिकल कैसे लिखें, इस पर आप देखेंगे तो यहाँ पे नीचे की तरफ अगर आप आते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे bloggingskill.com यहाँ पे रैंक कर रहे हैं, ये हमारी साइट है, ठीक है। अब यहाँ पे एक दूसरा, यहाँ पे आपको एक और कीवर्ड दिखा देता हूँ, यहाँ पे वेट करेंगे, Bluehost से होस्टिंग कैसे खरीदें, देख सकते हैं सेकेंड पोजीशन पर, पहले नंबर पर ही, पहले पोजीशन पर ही, सॉरी पहले पेज पर ही यहाँ पे सेकेंड पोजीशन पर यहाँ पे देख सकते हैं हमारी साइट रैंक कर रही है। अब थर्ड यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, अभी ये गूगल सैंडबॉक्स क्या है, इस पर मुझे गेस्ट पोस्ट मिला था और इस गेस्ट पोस्ट को यहाँ पे देख सकते हैं दूसरे पेज पर, यहाँ पे गूगल का दूसरा जो पेज है वहाँ पे आप देख सकते हैं, ये भी यहाँ पे नीचे की तरफ आप आएंगे तो देख सकते हैं bloggingskill.com यहाँ पे ये रैंक है दूसरे पेज पर। अब यहाँ पे बात करते हैं कि ये जो साइट है, अभी देखिए यहाँ पे हमारी ये जो साइट है bloggingskill.com, ये इस पर उतना आर्टिकल यहाँ पे कंटिन्यू मैं नहीं लिख पाता हूँ क्योंकि यहाँ पे मुझे उतना टाइम नहीं मिल पाता है। फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि इस पर आर्टिकल आए ब्लॉगिंग से रिलेटेड, क्योंकि आप लोगों को ब्लॉगिंग से रिलेटेड जानकारी चाहिए होती है, ठीक है। तो मैं इम्पॉर्टेंट ऐसी जानकारी इस पर शेयर करता रहूँगा, इसकी फिक्र नहीं लेनी आपको। तो यहाँ पर कैसे ये पोस्ट, मतलब ये साइट उतना एक्टिव भी नहीं है फिर भी इसके आर्टिकल रैंक कर रहे हैं, क्या ऐसा कारण है, ठीक है, आज इसी के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे SEO फ्रेंडली आर्टिकल कैसे लिखें, इसे मैं इस पोस्ट को ओपन कर लेता हूँ और फिर आपको मैं स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें समझाता हूँ आपको करना क्या है, ठीक है। तो ये देख सकते हैं ये जो पोस्ट है ओपन हो चुकी है। अब यहाँ पे आप देखिए, ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ आप देखेंगे SEO फ्रेंडली, देखिए अगर आप गूगल में रैंक करना चाहते हो तो एक चीज़ तो आपको सीखना ही सीखना है कि SEO फ्रेंडली आर्टिकल कैसे लिखते हैं, जो कि मैंने इसी पोस्ट में आपको बता रखा है कि SEO फ्रेंडली आर्टिकल कैसे लिखते हैं, ठीक है। तो ये लिखने के बाद अब मान लेते हैं आपकी एक पोस्ट जो है वो गूगल में रैंक कर गई, वो पोस्ट कोई भी हो सकता है आपकी ब्लॉगिंग नीश से रिलेटेड, मान लेते हैं मेरी ब्लॉगिंग की नीश है, आपका कोई और नीश होता हो सकता है, तो इससे रिलेटेड मेरी एक पोस्ट इंडेक्स हो गई गूगल में और वो पोस्ट हम मान लेते हैं ये ब्लू होस्ट है, ठीक है, ब्लू होस्ट से होस्टिंग कैसे खरीदें, ये यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है।
तो अगली बार जब आप पोस्ट लिखेंगे तो आप ब्लू होस्ट को, ये जो देख सकते हैं, ये जो ब्लू होस्ट से होस्टिंग कैसे खरीदे हैं, इस आर्टिकल को आपको इंटरनल लिंकिंग करना है अच्छे से आपको अगले पोस्ट में, जो भी आप ब्लॉगिंग से रिलेटेड अगला पोस्ट लिख रहे हैं, अगर वहाँ पे ज़रूरत है ब्लू होस्ट को आपको बताना वहाँ पे ज़रूरी है, तो वो इंटरनल लिंक करेंगे तो आपका जो लेटेस्ट आर्टिकल जो आप लिख रहे हो वो भी आपका रैंक करेगा। जैसे कि SEO फ्रेंडली आर्टिकल कैसे लिखें जो गूगल में रैंक करे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिखा था, देखिए ऑर्गेनिक ट्रैफिक के ऊपर लिखा है SEO क्या है, उसके बाद यहाँ पे और भी इंटरनल लिंकिंग है, जैसे ऑनलाइन पैसे कैसे कमाएं, यहाँ पे देख सकते हैं इंटरनल लिंकिंग काफ़ी अच्छे से, टेबल ऑफ कॉन्टेंट्स कैसे बनाएं, तो ये टेबल ऑफ कॉन्टेंट्स वाला आर्टिकल हमारा जो है गूगल में रैंक है। तो इसकी वजह से जब मैंने इसमें इंटरनल लिंक किया यहाँ पे इस पोस्ट में SEO फ्रेंडली आर्टिकल कैसे लिखें, तो इससे भी एक अथॉरिटी पास होती है, एक लिंक जूस पास होता है हमारे पुराने पोस्ट जो गूगल में रैंक कर रहे हैं, तो नए पोस्ट पर लिंक जूस पास होता है, इससे हमारे नया जो हमारा नया पोस्ट होता है वो भी गूगल में रैंक करता है, ठीक है। तो आपको इंटरनल लिंकिंग ऐसे करना है जैसे कि पहला कोई आपका पोस्ट गूगल में रैंक है, उस पोस्ट को इंटरनल लिंक करिए जो आप लेटेस्ट पोस्ट लिख रहे हैं, इससे आपका वो पोस्ट भी रैंक करेगा। तो बहुत से ऐसे यूजर हैं जो इस ट्रिक को अपनाते ही नहीं हैं और एक पोस्ट रैंक किया उसके बाद रैंकिंग नहीं मिलती है उन्हें, तो इसकी वजह से वो डीमोटिवेट हो जाते हैं। तो आपको इंटरनल लिंकिंग करना है जो पहले से आर्टिकल रैंक है। तो यही था इस वीडियो में, इंटरनल लिंकिंग आपको करना पड़ेगा और मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि आपको SEO फ्रेंडली आर्टिकल लिखना सबसे पहले सीखना होगा। अब इंटरनल लिंकिंग भी बहुत से लोग कैसे करेंगे, ऐसे नहीं करेंगे, जैसे देख सकते हैं मैंने यहाँ पे जैसे किया है SEO क्या है, ऑर्गेनिक ट्रैफिक, ये इंटरनल लिंकिंग है, ये परफेक्ट इंटरनल लिंकिंग ऐसे की जाती है। आप यहाँ पे लास्ट में जैसे देख सकते हैं मैंने यहाँ पे रीड मोर ये भी पढ़ें, मतलब कुछ ऐसे इंटरनल लिंक भी दिए हैं, बट आपको ऐसे इंटरनल लिंक लास्ट में देने, इससे आपका मतलब बाउंस रेट तो नहीं ज़्यादा बढ़ेगा, लेकिन अगर आपको रैंकिंग चाहिए तो ऐसे इंटरनल लिंकिंग आपको नहीं करनी है। स्टार्टिंग में आपको जैसे मैंने यहाँ पे दिखाया इस टाइप का इंटरनल लिंकिंग आपको करना है जैसे मैंने किया है, तो आई होप आप समझ, ऐसे भी आप कर सकते, मतलब एक पोस्ट में आप ऐसे भी इंटरनल लिंकिंग करेंगे और साथ ही साथ ऐसे भी इंटरनल लिंकिंग करेंगे ताकि आपको ज़्यादा बेनिफिट मिले। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, आप समझ गए होंगे कि कैसे यहाँ पे आप अपने पोस्ट को रैंक कर सकते हो अपनी दूसरी पोस्ट के हेल्प से जो गूगल में रैंक कर रही है। और गाइज यहाँ पे मैंने bloggingskill.com पर पेड सर्विसेज ऐड की हैं, जिन लोगों को वर्डप्रेस साइट, ब्लॉगर साइट या गूगल एड्स प्लेसमेंट करवाना है वो मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट अस बटन दिया गया है नीचे। ध्यान रखें गूगल एडसेंस अप्रूवल की सर्विसेज नहीं देता हूँ, केवल एड्स प्लेसमेंट करता हूँ उनकी साइट पे, ठीक है। तो वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है फटाफट सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।